लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। सारे सरकारी स्कूलों में ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। जो जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो आज सामने बच्चे और पेरेंट्स बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार अपनी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। कुछ पेरेंट्स को शर्म आ रही थी भारत माता की जयकारा लगाने में, शर्माना नहीं होता। आज जितने लोग इस कार्यक्रम को सभी सरकारी स्कूलों में देख रहे हैं, जितने लोग सामने आज आए हुए हैं, सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, केवल दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 11,000 क्लासरूम एक साथ दिल्ली में बनने जा रहे हैं। जैसा कि अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन साहब ने बताया, पूरे देश में केंद्र सरकार को मिला के, सारी राज्य सरकारों को मिला के, सारे स्टेट्स, तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश कर्नाटका गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, सारे देश के सारे राज्यों की सारी सरकारों को मिला के इस साल इतने क्लासरूम नहीं बनने जा रहे जितने अकेले दिल्ली के अंदर बनने जा रहे हैं। 11,000 क्लासरूम आज से बनने शुरू हो जाएंगे, लगभग 2,000 क्लासरूम अगले कुछ दिनों के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे, तो लगभग 13,000 क्लासरूम इस साल बनने जा रहे हैं। 8,000 क्लासरूम बना चुके हैं, तो हमारे टाइम में 4 साल में 21,000 क्लासरूम बन के तैयार हो जाएंगे। 21,000 क्लासरूम, और आज पूरी दिल्ली में लगभग 1100 सरकारी स्कूल हैं। उन 1100 सरकारी स्कूलों में 24,000 क्लासरूम हैं। 1100 सरकारी स्कूलों में 24,000 क्लासरूम, अब 21,000 क्लासरूम बनने जा रहे हैं, तो आप ये मानो लगभग 1,000 नए स्कूल बनने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। 1,000 नए स्कूल बनने जा रहे हैं दिल्ली में। 70 साल में भारत की आजादी के बाद, 1947 के बाद 70 साल में दिल्ली में 1100 स्कूल बने, 24,000 क्लासरूम बने, और आप लोगों की अपनी आम आदमी पार्टी की 4 साल की सरकार में 21,000 क्लासरूम और 1,000 स्कूल बनके तैयार हो गए। यह सरकार टॉप स्पीड में काम करती है, रॉकेट की स्पीड में काम करती है। हमने जब चुनाव लड़ा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, हमने 500 नहीं 1,000 नए स्कूल बना के तैयार कर दिए दोस्तों। 1,000 नए स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, अगर तो ये स्कूल खराब होते तो यहां केवल गरीबों के बच्चे आते। आज मुझे बेहद खुशी है, सबसे बड़ा इसका सर्टिफिकेट कि ये स्कूल अच्छे हैं, हमारे 2 विधायकों के बच्चे, अमानतुल्ला खान साहब के बच्चे जिनसे अभी आप सब लोग मिले, और गुलाब सिंह हमारे मटियाला के एमएलए उनके बच्चे, दोनों ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिए।
क्योंकि उनको लगता है सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं। इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई हुई है। पिछले 4 साल के अंदर ना केवल कमरे बनाए गए, कमरे बनाना तो बहुत आसान काम था, लेकिन जिस तरह से टीचर्स के अंदर उत्साह पैदा हुआ है, टीचर्स को आईएम लखनऊ, आईएम अहमदाबाद, पूरे देश के सबसे जाने माने इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, प्रिंसिपल्स को हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, सिंगापुर में, विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और जब वो लोग वापस आए, वो पूरे उत्साह से भरे हुए थे। उनको लगा कि इस बार एक सरकार आई है जो वाकई शिक्षा को बदलना चाहती है। इन सभी टीचर्स ने और प्रिंसिपल्स ने मिलकर ये पूरी क्रांति की है। इसका काफी श्रेय मुझे और शिक्षा मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी को मिलता है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं इस पूरे श्रेय के असली हकदार हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं, जिन्होंने ये क्रांति करके दिखाई। हमने टीचर्स नहीं बदले, हमने प्रिंसिपल्स नहीं बदले, वही टीचर्स हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन पहले सारा माहौल खराब था, पहले सारा माहौल भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, पहले चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। आज उन्हीं टीचर्स और उन्हीं प्रिंसिपल्स ने करिश्मा करके दिखा दिया। पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से कम 10% ज्यादा नतीजे आ रहे हैं। हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अब प्राइवेट स्कूल से ज्यादा शानदार नतीजे लेके आ रहे हैं। दोस्तों, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है। अब ढेरों ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। अभी रोहिणी में हमारा एक नया स्कूल बना है, उसमें 900 नए बच्चे भर्ती हुए हैं। 900 में से 750 बच्चे आसपास के प्राइवेट स्कूलों से निकल निकल के सरकारी स्कूल के अंदर आए हैं। भारत के इतिहास में 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराते थे। सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल हुआ करता था कि एक रिक्शे वाला भी अगर 2 पैसे जमा कर लेता था तो एक टाइम रोटी कम खाता था, लेकिन चाहता था मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराया करता था। आज ये पूरी हवा उल्टी बहने लगी है जब सरकारी स्कूलों के इतने शानदार नतीजे आ रहे हैं। जैसा भी मनीष सिसोदिया जी ने बताया, पिछली बार हमारे 350 बच्चे सरकारी स्कूलों के IIT में भर्ती हुए थे। IIT देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है। मैं भी IIT से पढ़ा हुआ हूं। IIT देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। IIT में भर्ती होने के लिए, IIT में एडमिशन लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई सोच भी नहीं सकता था सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT में जाएंगे। पिछले साल हमारे 350 बच्चे सरकारी स्कूलों के IIT में भर्ती हुए। सारे पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स आए हैं, जितने पेरेंट्स के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे, पढ़ रहे हैं, सबका सीना चौड़ा हो रहा है। सबका सीना 59 इंच का हो गया, 56 इंच को भी छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। लेकिन हमारा मकसद केवल बच्चों को अपनी किताबें रटाना नहीं है, हमारा मकसद है कि बच्चे बड़े होके अच्छे नागरिक बने। आज सारे स्कूलों के अंदर शिक्षा मंत्री जी और उनकी टीम ने मिलके हैप्पीनेस की क्लासेस शुरू की है। हैप्पीनेस की क्लासेस में उन लोगों को अच्छा नागरिक बनना सिखाया जा रहा है, उन लोगों को अच्छा इंसान बनना सिखाया जा रहा है। आज यहां सारे बच्चे बैठे हैं, हैप्पीनेस क्लास लगती है आपके यहाँ पे, कैसी लगती है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन।